अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक ठाक हैं, इतना ठीक ठाक हो, खुश आबाद हो, अल्लाह पाक खुश रखे, लंबी जिंदगी देवे। दोपहर का टाइम है, कपड़े धोते नमाज ले लीजिए, सारा घर का काम करके लाबा जरी चाय बनाइए, चाय पी के ना लाबा हो जरा ना सामने सी समाने बैठी है। मामा को बुखार है, मुजम्मिल को सारा बुखार जुकाम हो गया है। अस्सलाम जी, अभी वीडियो मैं बना रही हूँ और अभी अभी मैं आई हूँ और जो जो मैंने बातें की हैं वो जो है ना मैंने अपने चैनल पे आज मैंने वीडियो डाली है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि आपकी वीडियो कौन बनाता है, तो मैं ही इनकी वीडियो बना रही हूँ काफ़ी दिन से, क्योंकि जब तक इनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक। और दूसरा ये कि इनको हमने मोबाइल न्यू लिया है ना, तो समावे को वीडियो एडिट करने का तरीका नहीं आ रहा था इसलिए, और वीडियोस भी सही नहीं बना रहे थे। मैंने ये सोचा कि हम अभी को सपोर्ट करके ना, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगी अच्छी अच्छी तो व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो जल्दी जाना मोनेटाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी अबू के साथ हूँ और हमेशा इनके साथ रहूँगी, और जब तक इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियो बनाऊंगी इनकी और एडिट भी करके दूंगी। और दूसरा ये कि समावे को भी साथ साथ सिखा रही हूँ। समावे आपको आदत तो समझ आ गए ना अब एडिट करना? हाँ, इतनी समझ का है ना, क्योंकि आईफोन है ना, आईफोन लिया ना, आईफोन 12 प्रो लिया है इन्होंने, अब मोबाइल लियो तो इसके ऊपर वीडियो एडिट करना काफी मुश्किल होता है। मुझे बुखार आ गया, तो बुखार है आपको? लगा को बुखार है, सारा सबको बुखार है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए अहमानी तरह काम करो। जुमे का देना यार, और पहले इसलिए मैं वीडियो में नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा परेशान थी, हमारे जानवर के थोड़े मसले चल रहे थे, वो सारी मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है अपने चैनल पे सोने व्लॉग पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी ये अपना खुद ही व्लॉग यहाँ पे शूट करेंगे और आप सब बहन भाई से शेयर करेंगे। कपास पई थोड़ी सी कपास है ना, बाया धूप धूप पई अंदर जगह का है ना, मिस्त्री काम करें ना पे वाला था के चलो आज जरा ना पानी कपास है, इन्होंने अभी बाहर रखी हुई है थोड़ी सी तो सारी है। हां ये अभी इन्होंने बेच देनी है ना इसलिए फिर, और अब मुझे तकरीबन डेली आना पड़ेगा, वीडियो तो बना लेगी समाविया लेकिन अबू को आना पड़ेगा मेरे पास या मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे, एडिट करने का जो मसला है ना वो मुझे करके देना पड़ेगा, अभी इन्हें पता नहीं चल रहा है एडिट का ना। मैं समझा तो रही हूँ, काफी दिन से समझा रही हूँ समाविया को, क्योंकि आईफोन पे ऊपर वीडियो एडिट करना काफी मुश्किल है, सीख जाएगी ऐसा से, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो माशाल्लाह से आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बहन भाइयों ने इतना सपोर्ट किया और चैनल इतना माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर गया है, और इंशाल्लाह चैनल मोनेटाइज के लिए हमने भेजा हुआ है, और बस आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज होकर आ जाए। सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा, वो खत्म हो गया चैनल, डीमोनेटाइज हो गया अम्मी का, तो वो मैंने बातें सारी डिटेल में अपने चैनल पे बताई हुई है, आप जाके वहाँ पे देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे और मैं क्या पहले बोल बोल के थक गई हूँ, सच वो सोनिया ब्लॉग पे जाके देखे, वहाँ पे मैंने अम्मी के चैनल के बारे में भी बताया, अपने चैनल के बारे में भी, तो काफी परेशान थे पिछले अरसे दिनों में हम ना बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आई और अम्मी के चैनल भी खत्म हुआ, तो वो सारी बातें इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। तो बाकी अभी वसीम और हम दोनों आए हैं, वसीम अंदर है और वो एडिट, मैंने उनका कहा कि मेरी वीडियो एडिट करो, मैं अम्मी की वीडियो बना लूं, तो वीडियो एडिट कर रहे हैं वो उधर। चलो है कई दिन ना आया, कई दिन आ गया नहीं यार, वीडियो तो अब वो बना लेगी मोबाइल उठा के, वीडियो एडिट जो करना का मसला है ना वो है ना। तो 1 किलोमीटर पहले तो वसीम घर नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पे रह रही थी, वसीम अभी 2 दिन पहले आए हैं मरीज से वापस, तो इसलिए वसीम की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी, तो मैंने सोचा कि यहीं पे रह जाती हूँ मैं, अभी वहाँ पे अकेली घर क्या करूंगी, तो अब तो मुझे घर जाना पड़ेगा और यहाँ पे भी आना पड़ेगा, तो वो मैं हैंडल कर लूंगी इंशाल्लाह, हो जाएगा, मैं वहाँ भी आज आ सकता हूँ। इतना सफर नहीं है, 1 किलोमीटर का सफर नहीं है, इतना थोड़ा सा सफर है, ये कोई सफर थोड़ी है, मैं आ सकती हूँ रोजाना, आ सकती हूँ, वीडियो भी बना सकती हूँ। तो अबू ने चाय वगैरह नहीं बनाई आज, चाय बन रही है, एक हाथ को दर्द है यहाँ पे देखे, पट्टी रखी हुई है ना, तो अभी आप लोगों से एक बात करनी है मैंने, क्योंकि जो लोग हमारे लिए हमारे चैनल पर बात कर रहे हैं कि इनका चैनल वसीम ने ख़राब किया, ये किया, वो किया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा चैनल डीमोनेटाइज हुआ है, आप जाके हमारे लैब लाइफ वाले चैनल कहीं से ढूंढें, कोई एक वीडियो भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, इसलिए कि उसका एडसन का मसला था, चैनल हमारा डीमोनेटाइज हुआ है, तो सोनिया ने हमारा इतना साथ दिया है,
कि सोनिया जैसी बेटी अल्लाह ताला हर किसी को देगी। इतने चंद दिनों में हमारा चैनल मोनेटाइज पर चला गया है, इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएगा। आप लोगों की बड़े हो बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी दुआएं हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ ही रहूंगी इंशाल्लाह। तो आप तो हमारी बेटियां हैं, हमारे साथ रहे, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी हमारी बहुत फैमिली की तरह। इनका चैनल किसी के पास नहीं था, इनका चैनल खुद ब खुद जो है ना एडसन की वजह से जिसकी वजह से इन्हें न्यू चैनल बनाना पड़ा। और अब वो आप अपने मुंह से ये बात कह दें कि आप कभी जिंदगी में अगर ये कहेंगे, कोई भी कहेगा कि नहीं ये ड्रामा कर रहे हैं तो ये चैनल न्यू को बढ़ाने के लिए इन्होंने ड्रामा किया है, इनका चैनल को कुछ नहीं हुआ, तो कभी जिंदगी में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। मैं इतनी मेरी उम्र हो गई है क्या कहते हैं 55 साल का हो गया हूँ, तो मैं जो करूंगा सच बात करूंगा। क्योंकि लेबल लाइफ पर कभी भी तो आप देख रहे कि एक वीडियो भी नहीं आएगी हमारे पास, डाल ही नहीं सकते जब पेमेंट नहीं आएगी, जब चैनल भी नहीं आए तो किसे कैसे वीडियो डाल सकते हैं हम। जी सोनिया के घर आए हैं और साथ मामा भी है स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ना आज सोनिया आपके घर आई हूँ और रोजाना ऐसे आऊंगी स्कूल से, ना वापस घर जाऊँ कपड़े बदल कर यहाँ पे आऊंगी, क्योंकि अभी ना यहाँ वीडियो एडिट सीखना है वो कभी आप आ जाया करेंगी, कभी मैं रोजाना ही आप नहीं आ सकती, क्योंकि एक दिन एक ही समय एक दिन मैं जाना खुद जाके ना वीडियो वगैरह जाना सेट करके दिया करूं। जी रोज आप भी नहीं आ सकती, रोज मैं नहीं आ सकते, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जाना जी सीख जाएगी। न्यू मोबाइल है ना तो टाइम तो लगेगा ना सीखने में, तो सीख जाएगी कभी ना कभी ना, जब सीख जाएगी ना तो फिर 5 मिनट लगेंगे, फिर पता भी नहीं चलेगा वीडियो बन भी जाया करेगी इंशाल्लाह। और समाव्या कैसा गुजरा दिन? ठीक, स्कूल में पढ़ाई सही जा रही है? मेरा खुद का गला खराब है, सबको इतना ज्यादा बुखार है, समाज का भी गला खराब है, बच्चे सब ठीक थे? मेरा भी सब नहीं आया साथ, नहीं और नहीं आए, इतना टाइम भी नहीं है, हम वापस चले जाएंगे। वापस चले भी जाना है? हां चले जाना है बस, अजय थोड़ी देर लैब ठीक थी, लैब नहीं आया आपके साथ? लैब तो कह रही थी मैं जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कल शायद संडे है तो बच्चे शायद आए तो साथ आ जाना। अच्छा चलो अपनी खाला से मिल लो और वीडियोस वगैरह जो ना वो जो हमने बनाई वो हम दोनों मिल के बैठ के एडिट करते हैं, समाज और मैं हम दोनों, ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी जाना सीख जाएगी। तो भी खाला के पास ही हूँ, खाला से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हाँ थोड़ी देर पहले आई समाव्य, और सुनाए कैसे हैं? ठीक है। समाव्य आज अकेली आई हुई है, वो अमन नहीं है? ठीक है, वो भी ठीक है। वो आपको जुकाम हो गया है? आपकी आवाज नहीं निकल रही। सबको जुकाम हो गया। हाँ, मौसम है ना, अब आजकल हर बच्चों को नजर जुकाम हो जाते हैं, हमारे बच्चे को भी हुआ है, आप ठीक हो गए माशाल्लाह। समावेश मैंने खुद कहा, मैंने कहा वीडियो असल में मोबाइल नया लिया ना तो वीडियो एडिट करनी आती ना, मैंने कहा मैंने मेरे पास आ जाए थोड़ा सा सफर है साथ जी जी हाँ। तो आ जाया करो कभी, एक दिन मैं वहीं पे जाके कर दिया करूँगी, कभी आप आ जाया करो। इसको आ तो जाता है अभी, ये दूसरा आईफोन है ना, इसके ऊपर नहीं आता, ये मोबाइल के ऊपर मुश्किल है, सीख जाएगी ऐसा आता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। वैसे आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी है ना आज बस। हाँ, पहले तो अच्छा मौसम होता था, आज गर्मी है अचानक से कहीं से पता नहीं कैसे, अभी लाइट अभी आई है, पूरे एक डेढ़ घंटा लाइट नहीं थी। चलो समावे के लिए कुछ खाना वगैरह क्या खाओगी आज? कुछ नहीं खाओगी, कुछ तो खाओगी बताओ। तो अभी हम यहाँ पर आए तो थोड़ी देर तक रुकेंगे, एक घंटा तक, तो समावे को साथ लेकर वापस घर जाना है। तो इसके बाद वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। हमें दीजिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।